मणिपुर में जो घटना हुई है उसका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, संविधान परिवार, विदर्भ तेली समाज महासंघ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एवं हमारा महिला राजसत्ता आंदोलन, ये सभी संगठन और आप सभी के माध्यम से हम तीव्र निषेध करते हैं। 4 मई को जो घटना मणिपुर में हुई है उसका सही मानों में जो नक्शा है वो कल परसों हमारे नज़र में आया, लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि जब 21 मई को मैं दिल्ली में था उस वक़्त मणिपुर के वहाँ के लड़कों ने जो आंदोलन किया उसको मैंने एड्रेस किया था, उसी वक़्त ये सामने आया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई है। 4 मई की ये शुरुआत है, 18 मई को उसका रिपोर्ट दर्ज होता है और जब सीएम को पूछा जाता है तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई ये कोई नई बात नहीं है, ये तो ऐसे हजारों केसेस हुए हैं, ये खुद होके मणिपुर के सीएम साहब एक्सेप्ट करते हैं नेशनल टेलीविजन पे, इंडिया टुडे पे। शर्म की बात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके ऊपर जिनका आशीर्वाद है वो केंद्र की सरकार, ये सभी इस बात को दबा रहे हैं। जैसा कि हमारे गुरुवर्य रंजीत मेश्राम साहब ने बताया, वहाँ पे जो मैथिली समाज है वो 60% है, वहाँ पे जो हमारा कुकी समाज है वो 24% है, वहाँ के सभी आदिवासियों की ज़मीन जब्त करना और वहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं उनके हाथों वो ज़मीन का सौदा करना और अपने ही लोगों के माध्यम से जो आदिवासी है, जो मूल निवासी है, उनको यहाँ से खदेड़ना, ये पूरा उनका प्लान है 2024 की, ये पूरी प्लानिंग है। सवाल ये है, बोलिए सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब फटकार लगाई, यस, तब मोदी जी ने मीडिया के सामने आकर बयान, देखिए 3 महीने से ये घटना हो रही है, अभी तक केंद्र का एक भी मंत्री सामने नहीं आया। करीबन 78 दिन हो गए हैं, 1800 घंटों के बाद में, 1800 घंटों के बाद में अगर नरेंद्र मोदी बाइट देते हैं तो वो सिर्फ 36 सेकंड की है, 36 सेकंड में वो बात रखते हैं कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि वहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ये क्या कर रही है। हमारी महोदया जो है राष्ट्रपति वो आदिवासी समाज की है, वहाँ की राज्यपाल आदिवासी समाज की है, इतना सब होते हुए अगर हम लोगों पे अन्याय हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी विपक्ष नाम की चीज़ कोई बची नहीं है। विपक्ष अगर कोई है तो संविधान है, और विपक्ष कोई है तो यहाँ का जागरूक नागरिक है। आने वाले दिनों में हमको तय करना है कि यहाँ पे ये मोदी सरकार रहे या ना रहे, अगर ना रहे तो हमको हमारे अकल के दरवाजे खोल के हमको चाहे ऐसी सत्ता वहाँ पे लानी पड़ेगी, संविधान बचाना पड़ेगा, बाबा साहब का संविधान ही हमको बचा सकता है। इतना मैं कह के आने वाले दिनों में हम सतर्क रहे ऐसी विनती करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मणिपुर की जो घटना हुई है, जो हाल में वायरल हुई और वीडियो पर चल रही है, वो घटना 4 मई की है। 4 मई के बाद यानी 75 दिन के बाद ये घटना अभी लाइमलाइट में आई है, और जब लोगों को पता चला तो लोगों को पूरा एक धक्का सा लगा है पूरे देश को। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को इस बात के बारे में जानकारी थी फिर भी उसने बताया नहीं, और वो कहता है, मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह कहता है कि ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं, तो ये तो एक राज्य के मुख्यमंत्री को गैर जिम्मेदाराना उसका ये व्यवहार है। एक मुख्यमंत्री को जिन लोगों ने ये काम किया है या इसको अंजाम दिया है उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर FIR करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। ये सब करने की बजाय ये मुख्यमंत्री अपनी सफाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने तो 70 दिन तक बातें ही नहीं की। प्रधानमंत्री ने जब वो प्रधानमंत्री का उन्होंने चार्ज लिया उस समय उन्होंने शपथ ली थी कि मैं देश की सेवा करूंगा और देश के लोगों को संरक्षण दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को संरक्षण देने में नाकामयाब रहे हैं। ये आदिवासी लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, ये आदिवासी लोग होने के बावजूद भी और वहाँ के अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों इन लोगों को संरक्षण देने में नाकामयाब रहे। बलात्कार हुआ है, नग्न उनको घुमाया गया है, और वहाँ के युवा लोगों ने या वहाँ के जो भी जो उस घटना को अंजाम देने में शामिल लोग थे उन लोगों ने वहाँ पर उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया
और नग्न करके घुमाया है। पूरे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बड़ी भर्त्सना हो रही है। तो हम भी इसका निषेध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को संरक्षण देना, तो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए या राज्यपाल को चाहिए कि उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री दूसरे स्टेट की तरफ उंगलियां दिखा रहे हैं लेकिन अपनी कमजोरी को बताए नहीं रहे हैं। हमारा ये कहना है कि वो सरकार भाजपा की है इसलिए प्रधानमंत्री उनको संरक्षण दे रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि इस देश के राष्ट्रपति आदिवासी है, इस राज्य का, मणिपुर राज्य का राज्यपाल आदिवासी है। इतने बड़े संवैधानिक पद पर आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासी महिलाओं पर इस प्रकार का अन्याय अत्याचार हो रहा है और सरकार कुछ नहीं करी है, बड़ी शर्म की बात है। हम इसका धिक्कार करते हैं और उनसे इस्तीफे की डिमांड करते हैं। मैं प्रदीप मुन, समता सैनिक दल का कार्यकर्ता। मणिपुर के अंदर में जो आदिवासी महिलाओं के ऊपर में जिस प्रकार से बहुत ही घृणित अत्याचार किया गया है, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, और ये जो घटना है ये पूरे देश के लिए शर्म करने वाली घटना है। लेकिन इतने दिन तक के मई महीने की वो घटना है, लेकिन कल परसों वो वीडियो के माध्यम से सामने आई है। सरकार क्या कर रही थी, सरकार और सरकारी यंत्रणा क्या नींद में थी, सोई हुई थी कि इतने दिन तक के इतनी जघन्य जो बात है उसको सरकार ने दबा के रखा था। इस देश के पंत प्रधान, इस देश के गृह मंत्री, इन्होंने इस बात को दबा के रखा था और आज यह घटना सामने आई है कि आदिवासी महिलाओं की इज्जत इस देश के अंदर में इतनी सस्ती है क्या? चाहे वो किसी भी प्रकार की महिला हो, जिसकी इज्जत एक सड़क के बाजार में, भर रास्ते में, बाजार में लूटी जा रही है, ये देश को बहुत हिलाने वाली घटना है। लेकिन हमारे पंतप्रधान इतने दिन तक के चुप्पी साधे हुए थे। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्होंने इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और इस पंतप्रधान चुप इसलिए रहे हैं कि ये जो घटना जो हुई है, तो जिन लोगों को, जो दो समुदाय के अंदर में वहाँ जो घमासान चल रहा था या दंगा चल रहा था, उसमें मतई समाज का, जो कि वो रियल ट्राइब्स नहीं है, तो उनको ट्राइब्स पे लाने के लिए ये सरकार उनके फेवर में थी और उनको यहाँ के कुकी समाज ने विरोध किया है, तो इन्होंने कुकी समाज के ऊपर में हमला बोला है और उनके साथ में सरकार है और इसलिए उनके माध्यम से हत्याकांड हुआ है। और इसलिए इस घटना का हम पूरी तरह से पुरजोर तरीके से धिक्कार करते हैं, जाहिर निषेध करते हैं और पंतप्रधान ने और उनकी सरकार ने पूरी तरह से शर्मसार होना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम सभी को। हम जय भीम मित्र मंडल टीम के माध्यम से यहाँ पे आए हैं आंदोलन में। आज संविधान चौक में जो आंदोलन हुआ है मणिपुर का, ये सभी देश को एक कालिक पूछने वाला आंदोलन है। आप देख सकते हैं 4 जून की घटना, जो 2 महीने बाद आप सबके, 4 महीने की घटना है और 2 महीने बाद सबके सामने आई है। इसी प्रकार खैरलाल जी की घटना हुई थी, जो 8 दिन के बाद नागपुर शहर में मालूम हुई थी। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, दलित पिछड़ों पर आंदोलन अत्याचार होते ही रहे और हमको रास्ते पर उतरना ही है। सोच लो कि हमको सरकार किसकी लानी है, सरकार किसकी भी आए तो हमारे ऊपर आंदोलन अत्याचार होती है, हमको आंदोलन के लिए रास्ते पे आना ही पड़ता है। इतनी गंदी घटना जिसपे हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को प्राइवेट पार्ट पे किस तरीके से, गंदी तरीके से उन्होंने किए, वो वीडियो पे के माध्यम से आप सभी ने देखे होंगे। तो ये आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो जो लोग है, जो जातिवादी, जो आरक्षण के विरोधी है, उनको समझना चाहिए कि इनके ऊपर हाथ डालना गलत है। हमारे फांसी भी बहुत कम सजा है उनके लिए, तो उनको तो ऐसे चौराहे में डाल के सबके सामने उनको काटना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि फांसी बहुत कम सजा होगी। फांसी में क्या, उसको 10 साल के बाद यानी वो भी क्या मालूम पड़ेगा कि इन्होंने किए करके, गवाह रहेगा, गवाह ही नहीं मिलता, गवाह पैक हो जाता है,
कोई ना कोई गवाह खरीद लिए जाते हैं, तो गवाह मिलता ही नहीं सब, क्योंकि आप देख सकते हो घटना ऐसी थी कि कुछ महिला कुछ पुरुष जंगल में फरार हो गए थे, पुलिस ने पकड़े थे, पुलिस डर के मारे और उनको जो महिला थी हमारी दो उनको उनके हाथ में सुपुर्द कर दिया था। यानी पुलिस पे शेम है, जो वहाँ की मणिपुर की पुलिस है इतनी बड़ी पुलिस जिसके लिए अपन अपना प्रोटेक्ट अपने खुद को सेफ मानते हैं, वो पुलिस ने खुद उनको उनके हाथ में दिया है और पुलिस छोड़ के भाग रही है जान बचाने के चक्कर में। सोच लिए कि वो घटना कितनी बेकार होंगी, और इतना मणिपुर दो महीने से जल रहा है, मणिपुर जलने के बाद भी कोई मीडिया उस पर दिखाए कोई कुछ दिखा नहीं रहा, नरेंद्र मोदी अमित शाह और हमारे महिला आयोग उस पर तो सबसे एक थू बोल सकते हैं उनको, महिला आयोग अभी तक उसमें कुछ बोल नहीं पा रही है जो महिला के लिए काम कर रही है, वो महिला आयोग का हम भी विरोध करते हैं और इस घटना का जेबी मित्र मंडल की तरफ से पूरा विरोध करते हैं। मेरा नाम सुरुजन घोड़ेस्वार है। मणिपुर में जो घटना घड़ी है सच में इतनी भयंकर घटना कि हम मैंने इसके मतलब इससे पहले मैंने ये सोचा भी नहीं था, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ऐसा कुछ घट सकता अपने इंडिया में। ये जो घटना है बहुत भयंकर घड़ी है। मणिपुर में जो सरकार है सही में निंदनीय प्रकार घड़ा है। मोदी की जो सरकार है बहुत निंदनीय प्रकार वहाँ पे घड़ा है, इसलिए मैं निषेध दर्ज कराती हूँ। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर क्या ही बोलना चाहिए, इतनी बुरी तरीके से लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है वहाँ पे, दो महीने से, और हमारी न्यूज़ आज दिखा रही है ये, जब वो वीडियो वायरल हुआ तब, और इतने दिनों से सो रहे थे सब, कोई किसी ने बात ही नहीं किया। अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो ये घटना भी सामने नहीं आती थी हमारे वाले कभी भी, और जितना स्त्रियों पर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है वो भी सामने नहीं आता था कभी भी। तो हमारी सरकार को जागना चाहिए अभी तो, और उन हथियारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जल्द से जल्द। जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और दिस इज़ वेरी शेमफुल फॉर गर्ल्स एंड वुमेंस, बिकॉज बहुत बुरी तरीके से उनको जो रोड पे और वो सब जो मेंस थे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हुआ है। मेरा तो यही है कि उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए, और सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार को भी हटा देना चाहिए क्योंकि ये तो कुछ काम के ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये उनकी सरकार बीरेन सिंह करके उनकी सरकार है वहाँ पे, तो दिस इज़ वेरी शेमफुल। और मेरा यही अपील है पार्टी यस बीजेपी है वहाँ पे, तो मेरा यही है कि उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो, और जितने भी क्रिमिनल्स थे वहाँ पे जो कुछ भी जिन्होंने किया है उनको जल्दी सज़ा हो, दैट्स इट। जय भीम। जब हैदराबाद का हत्याकांड हुआ था तब मैंने एक महिलाओं के ऊपर एक और इंसान की विचारधारा के ऊपर एक कविता लिखा था, तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगा। कहा गई इंसानियत आदमी औरत पे जुलुम करता है, औरत का अपमान कर इंसानियत का खून करता है, क्या पाया है तूने औरत का अपमान कर, यही है तेरी सोच यही है औरत के प्रति सम्मान, वाह इंसान क्या बनाया तूने खुद की पहचान, औरत पे जुल्म कर लिया ना इंसानियत की जान। तो बरसों से भारत में स्त्रियों पे अत्याचार ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से चल रही है और ये बरसों से हो रहा है। इसी के खिलाफ में अगर कोई खड़े हुएंगे तो वह है सत्यशोधक महात्मा ज्योतिबा जी फुले, और उन्होंने इसीलिए उनको स्त्रियों को शिक्षित करना उनका उद्देश्य इसीलिए था कि जब तक के हम सुशिक्षित नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे और हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक के हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होते ही रहेगा करके ही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बोले कि शिका संगठित वा आणि संघर्ष करा, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तो उसको उसके राइट्स पता रहते हैं। और भारत ऐसी देश था कि जो एक मनुवादी विचारधारा पे चलने वाला देश था, वही मनुवादी विचारधारा पे अगर वार किए तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हो गए, छत्रपति शाहू फुले, इन विचारधाराओं ने उन मनुवादी विचारधाराओं पे वार किए और उसी का बदला मतलब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इंडिया को पूरे दुनिया से सबसे अच्छा संविधान देके दिया है। और मैं भी सभी से यही कहना चाहूँगा कि अन्याय अत्याचार सहो मत, जहाँ भी तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाओ, हम सारे युवा जहाँ पे भी अन्याय अत्याचार होगा हम वहाँ पे खड़े हैं। मैं यही कहना चाहूँगा और सारे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। अगर तुम शाहू फुले बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हो तो अन्याय अत्याचार का विरोध करना ही चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। एक महिला के साथ में अगर इतनी घिनौनी बात 2 महीने से हो रही है और आज हमें पता चल रहा है,
तो हमारी सरकार को पता चलने के बाद भी उन लोगों ने इस घटना को दबा के रखा और पता नहीं चलने दिया। हमारी जो भारत की सरकार, केंद्र की सरकार जो किन विचारों से चलती है ये हम सबको पता है। अगर स्त्री पर यहाँ अन्याय होता है तो हमने जान लेना चाहिए कि ये सरकार मनुवादी विचारों पर चलती है, और मनुवादी विचार पर चलने वाली सरकार यहाँ स्त्री के प्रति कितना अन्याय और अत्याचार करती है ये हमें आज भी ये मणिपुर की घटना से हमें ज्ञात हुआ है। हम यहाँ सभी उस घटना का निषेध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कितनी लाछनास्पद बात है ये कि यहाँ भारत के पुरुष, जिन पुरुषों को माओं ने जन्म दिया है, स्त्री के पेट से पैदा हुए हैं, वो पुरुष एक स्त्री को, अपनी माँ को पूरी तरह से नंगा करके कपड़े उतार के वो घुमा रहे हैं, रास्ते से बलात्कार कर रहे हैं। और यहाँ की सरकार जो है, यहाँ की मनुवादी सरकार जो है, यहाँ की मोदी सरकार जो है, जो मनुवा के विचारों पर चलने वाली सरकार है, वो बार बार अपने ये स्टैंड से दर्शाती है कि भाई हम मोदी सरकार है, हम सरकार है, हम मनु के विचारों पर चलने वाली सरकारें हैं, ये अपने व्यवहार से यहाँ दर्शाती है। ये नज़र आता है इस घटना से, क्योंकि 2 महीना ये घटना को बाहर आने में लगा हुआ है। हमें क्या चाहिए? हम यहाँ की स्त्री सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए और आरोपियों के साथ आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। हमें पता चला है कि एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पता नहीं वो आरोपी है या दूसरे पीछे छुपे हुए हैं। ये सारे के सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी पुरुष, भारत का पुरुष, ऐसी जो गलती भी क्या कहेंगे, जुर्म करने के बारे में सोचे भी नहीं, ये करना चाहिए। और मैं इस सारी मणिपुर की घटना का मैं निषेध करती हूँ। निषेध है, निषेध है, निषेध है। सबसे पहले तो मणिपुर की घटना का मैं निषेध करती हूँ। और जब से वो वीडियो देखा है ना, 2 रात से हम सो नहीं पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि महिलाओं को यहाँ पे खिलौने की तरह क्यों समझा जाता है ना। भारतीय संविधान, अगर हमें आर्टिकल संविधान का 14वां आर्टिकल स्त्री पुरुष समानता बताता है, तो इस देश में अभी भी मनुस्मृति वाली व्यवस्था क्यों शुरू है? तो इसके उदाहरण अगर हम देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो पुरातन काल में जो इनकी पुराण कथा में द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हमने देखा था ना, उससे भी कहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद आती है हमारी खैरलाल जी की घटना, है ना। खैरलाल जी के बहुत मांगे कुटुंब के साथ भी न्याय नहीं मिल पाया है। अगर उस वक्त पे न्याय मिलता तो आज ये परिस्थिति कुछ अलग होती। 2014 के बाद देश जिस रसातल में जा रहा है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये क्यों होता होगा? मणिपुर में हिंसाचार होके 2-3 महीने का काल गुजर गया, और मोदी जी अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पाए थे। क्यों नहीं बोल पाए थे वो? क्या हमें देश की बेटियों का उन्हें जरा भी इल्म नहीं है कि कैसी ये बेटियां रहें? क्या कहीं उनको रेशम बाग से कहीं आर्डर मिला था कि नहीं बोलना चाहिए महिला के विषय में? ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिसके बारे में महिलाओं को खंत है, और चाहते हैं हम ये कि यहाँ की हर बेटी सुरक्षित हो, हर महिला सुरक्षित हो। भारतीय संविधान में जो न्याय, स्वातंत्र, समता, बंधुता जो अभिप्रेत है, वही उसी को फॉलो करने वाली सरकार यहाँ पे बने। तो इसलिए ज़रूरी है कि 2024 में सब लोग जाग जाए। अभी ये घटना से अगर लोग नहीं जागते हैं ना, तो हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। इस घटना का मैं निषेध करती हूँ। जाहिर निषेध है, निषेध है। मैं सुषमा कलमकर, आज जो ये निषेध करने हम आए हैं, हमने व्हाट्सएप पे देखे ये वीडियोज़ वो 2 नग्न लड़कियों के निकाले हैं। ये देख के तो हमारा कलेजा एकदम फट गया। इतना बुरा लगा, जैसे कि पूरी भारत की महिलाओं को ही नंगा कर दिया इन्होंने। इतना घिनौनी हरकत की कि वो 20 साल की लड़कियों को नग्न करके उनको कितने ये कर रहे थे, गंदगी कर रहे थे उनके साथ।
घिनौना व्यवहार कर रहे थे अने पूरी भारत की स्त्रियां ही नग्न हो गई ऐसा चित्र हमें दिख रहा था। हम बहुत दुखी हुए और बहुत हम आहत हो गए कि आज भारत की यहाँ स्त्री सुरक्षित नहीं है, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, ये इनका झूठा नारा है। यहाँ हर दिन बलात्कार हो रहे हैं। 3 महीने से जब मणिपुर में ये घटना हो रही थी वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया था, तभी से लेके आज तक कितनी औरतों के ऊपर इन्होंने बलात्कार किए होंगे ये सोच के ही बहुत अरे थर थर हम कांपते हैं, हमारी रूह कांपती है। इतना घिनौना व्यवहार हुआ है। हम तो चाहते हैं कि मोदी सरकार ने ही अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। ये देश में हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। और जिसने ये गंदा काम किया है वो जो वहाँ की मणिपुर की लड़कियों के ऊपर बलात्कार किया उनको कड़ी से कड़ी उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और दंड मिलना चाहिए। बस यही, थैंक यू। इस घटना का निषेध करने के लिए तमाम नागपुर शहर की जो महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई है उनके दिलों दिमाग में इस घटना का जो मणिपुर में हुआ है इस घटना का सदमा नहीं बहुत चीड़ है उनके दिल में और वो इस तरह अपना आक्रोश इस घटना का निषेध करने के लिए यहाँ जमा हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी देश की जो प्रमुख है नेता जो राष्ट्रपति है उनका मैं सबसे पहले मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस देश की राष्ट्रपति एक महिला होने के बावजूद उसके ही समाज की महिलाओं की नग्न दिन निकाली जा रही है और वह राष्ट्रपति अपने मुंह पर एकदम चुप है, वो कुछ बोल नहीं रही है। पंतप्रधान नहीं बोल रहे उनके पीछे का मैं कारण समझ सकती हूँ। उन्होंने ये नियोजित किया हुआ स्पॉन्सर्ड बाय RSS ये कार्यक्रम है, लेकिन जिस महिला को हमने राष्ट्रपति चुनकर दिया है उस महिला की जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक तो भी शब्द निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला। मैं उनका निषेध करती हूँ। सबसे पहले जो महिलाएं जब कांग्रेस के राज में कुछ होता था वो बारी बारी से मीडिया के सामने आ आके बहुत चिल्ला रही थी, वो स्मृति ईरानी कहाँ गई वो मैं पूछ रही हूँ, वो निर्मला सीतारामन कहाँ गई, वो हमारे देश की पहले संरक्षण मंत्री थी अभी वो अर्थ मंत्री है, तो उनकी सेंसिटिविटी तो हमसे और ज़्यादा है कि जो एक प्रतिनिधि होती है क्या महिलाओं ने उनको मतदान नहीं किया है। जिन महिलाओं ने उनको मतदान किया है उन महिलाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, उनकी जिम्मेदारी थी वो भी नहीं बोली। जिन ब्राह्मण महिलाओं के बहुत बड़े बड़े NGOs है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उन महिलाओं को लगता है कि वो महिलाओं की मसीहा है, उन महिलाओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, वो क्यों नहीं चुप्पी वो चुप्पी साध के क्यों बैठी है ये मेरा सवाल है। लेकिन ये आम महिला जो है यहाँ दिख रही है आपको ये आम महिलाओं के दिल में आग लगी हुई है कि इस आंदोलन का रूप कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी भाजपा के खिलाफ RSS के खिलाफ और वो मणिपुर के गवर्नमेंट के खिलाफ ये सारी मैना सिन्हा तान के यहाँ पर खड़ी है और ये निषेध होगा। केवल ये यहाँ पर निषेध नहीं होगा, अभी बस्ती बस्ती में निषेध होगा, घर घर में निषेध होगा, चौक चौक पर निषेध होगा और हम उसकी कोशिश करेंगे कि ये छोटी सी बात नहीं है। जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना उनकी नग्न दिन निकालना उनके ऊपर बलात्कार करना एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट हम भाजपा को करने नहीं देंगे, हमारी महिला को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनने देंगे हम भाजपा को, और इसके लिए हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जोरदार लड़ाई लड़ेंगे, देश के ऊपर स्टेट स्टेट जाके लड़ाई लड़ेंगे, घर घर जाके लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। मणिपुर सरकार यहाँ पर जो संविधान चौक में, क्योंकि यह चौक ऐसा है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत जो भी इस देश का जो शोषित हो शोषित वंचित है और उनकी जो मांगे हैं उन पर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ यहीं से एक बुलंद आवाज़ जो जहाँ पर एक नागपुर में हम देखते हैं कि RSS का हेडक्वार्टर है वहीं पर दीक्षा भूमि के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचार रखा है मानव का उस विचार के तहत मणिपुर में जो घटना हुई उस घटना का निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम मोदी सरकार
और इस देश के राष्ट्रपति से हम लोग विनती करते हैं कि आपने इसका संज्ञान लेना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है तो आपने भी लेना चाहिए। और ये जो हमारी बेटियों की जो विटंबना हो रही, जो अपमान हो रहा, जो तिरस्कार हो रहा, जो विनय भंग हो रहा, जो उन पर शारीरिक अत्याचार हो रहा है, यह आपने बंद करना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मॉडल करके मणिपुर में आज जो दिख रहा है, हमारी बेटियों को नग्न करके जो घुमाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसका हम निषेध करते हैं। मोदी सर का भी हम निषेध करते हैं। और राष्ट्रपति जो इस देश की महिला राष्ट्रपति है, जो एक समाज से आती है, उस समाज के महिलाओं को यहाँ पर अत्याचार होता है और आप चुप रहती है, उस प्रवृत्ति का भी हम निषेध करते हैं। यह कहकर इतना ही बोलती हूँ मैं। सभी को जय भीम। मैं सुगंधा खांडेकर और संजीवनी कुमरे मेरे साथ है। हम ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की ओर से हमारी बात रखना चाहते हैं। डॉक्टर विमल थोरा जो है हमारी नेशनल कन्वेनर है, उनके तरफ से भी हम हमारी बात रखना चाहते हैं। हम ये जो अमानवीय कृत्य हुआ है उसका हम निषेध करते हैं। हमारी संपूर्ण महिलाएं जो है और हमारे साथ खड़े रहने वाले पुरुष हैं, वो भी इस घटना का निषेध करते हैं। हमें लगता है कि ये जो कृत्य किया है ये आज का प्लान नहीं है, ये बहुत पुराना प्लान है। और ये जो आरएसएस की सरकार है, इसने, ये जो ग्रुप है, इसने पहले ही अपने लोगों को वहाँ मणिपुर में रखा है और उनको एसटी करके एक उनके सर्टिफिकेट्स बना दिए हैं। और जो म्यांमार से 3-4 पीढ़ी से आई हुई महिलाएं हैं, लोग हैं, उन पर अत्याचार करने के लिए तैयार किया गया है इनको। ये और ये केवल जो इकोनॉमिकल बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन के लिए ये सारा प्लान है, यही हमारा कहना है। और ये प्लान को पूरा करने के लिए ये अमानवीय घटनाएं जो कर रहे हैं उसका हम निषेध करते हैं। और ये लगता है हमें कि ये सिर्फ प्लान है उनका दिखाने के लिए कि आज तो सिर्फ हमने मणिपुर में किया है, कल को ये पूरे देश में ऐसा करेंगे। इसलिए हम ये सरकार का निषेध करते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का निषेध करते हैं और हम मणिपुर सरकार का निषेध करते हैं। निषेध, निषेध, निषेध। ये जो भी मैम ने बात कही कि इनके किसी कॉरपोरेट दोस्त, अब कॉरपोरेट दोस्त कौन है ये हम सभी जानते हैं। अब मोदी और अडानी ये दो अलग अलग लोग नहीं हैं, बात है मोडानी की। तो ये एक न्यूज़ है जो उड़ते उड़ते न्यूज़ मिली है, पढ़ने में आई है कि मणिपुर के 66,682 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर 66,682 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर अडानी को पाम ऑयल प्लांटेशन करने की परमिशन दे दी गई थी। पूरी फॉरेस्ट लैंड थी और उस फॉरेस्ट लैंड पे कुकी समुदाय के लोग रह रहे थे जो कि हट नहीं रहे थे। और ये पूरा जो है ये कुकी समुदाय के लोगों को वहाँ से हटाने के लिए किया जा रहा है ताकि वो 66,682 हेक्टेयर ऑफ लैंड अडानी के हाथों में दी जा सके ताकि वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री खोले। दूसरी बात, सिर्फ मणिपुर की ही फॉरेस्ट लैंड नहीं, फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम झारखंड, ये दो जगहों की भी फॉरेस्ट लैंड जो है अडानी को दी गई है। ये अभी मणिपुर में हो रहा है, न जाने कब, पर ज़रूर ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी होगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। मैं बोलना चाहूँगी कि मैं ऑल इंडिया दलित अधिकार की तरफ से मैं पहले मैं काम करती थी, आज मैं पूरे आदिवासियों के लिए मैं काम करती हूँ। लेकिन मेरा नाम संजीवनी कुमरे है। मैं बोलना चाहूँगी कि आज मणिपुर के साथ साथ अपने महाराष्ट्र के विदर्भ में भी ये घटनाएं हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले महीने आपने गढ़चिरौली में दो लड़कों ने एक लड़की पर बलात्कार किया, साथ में कोलम समाज की मतलब आदिवासी समाज की एक औरत पर 5 आदमियों ने अत्याचार किया था। ये अपने नागपुर में आने के लिए देर नहीं लगेंगी, अभी तो ये शुरुआत है। इसको अगर अपन ने निषेध आज ये नंगी करके उसको निकाल, एक इस तरह से घिनौना वीडियो अपने सामने आया है, इसलिए हम निषेध कर रहे हैं। लेकिन हम हर एक लड़की का, हर एक निकाल आदिवासी समाज का, हर एक दलित समाज का, जो भी पिछड़ा हुआ बोलते हैं
इसके नंगा होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, हमको खाने के लिए भी मोहताज करने के लिए सारी प्लानिंग बीजेपी सरकार की भी हो सकती है और दबंग समाज की भी हो सकती है। धन्यवाद, इस पर निषेध होना ही चाहिए और मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसलिए मैं दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। सर्व उपस्थित असलेल्या माझ्या महिला आणि बंधू आणि भगिनींनो सर्वांना जय भीम। मी सर्वात प्रथम हेच म्हणेल की मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी सरकार हटाओ देश बचाओ, हे माझं सर्वात प्रथम मत आहे की या भारतामध्ये ज्या ठिकाणी केंद्रीय सरकार आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये हे बीजेपीचं सरकार आहे तेव्हापासनं ह्या देशामध्ये महिला ही सुरक्षित नाही आहे आणि वारंवार ह्या महिलांसोबत अन्याय अत्याचार बळी पडत आहेत। हा 4 मेला झालेली घटना घडलेली घटना ह्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून 2.5 महिन्याच्या नंतर ही घटना व्हायरल झालेली आहे आणि याचे पडसाद सर्व नागपूरमध्ये आहेत आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पण मध्येसुद्धा जाणार आहेत। याला जबाबदार आहे आपले बीजेपी सरकार। यांना जर काही शासन आपल्याली राज्यव्यवस्था जर आणायची असेल तर तुम्ही काही महिलांची नग्न धिंड काढणार का? हा प्रश्न मला गव्हर्नमेंटला विचारायचा आहे, सरकारला विचारायचा आहे। आज त्या जी महिला जन्म घेते, जो व्यक्ती आपल्या पंतप्रधान किंवा जे सरकार चालवतात ते महिलाच्या उदरातून जन्म घेतात आणि त्यांच्याच माध्यमातून महिलांची नग्न धिंड काढण्यात येते आणि हा अमानुष असा प्रकार घडतो, तर हे नक्कीच हे जे सरकार आहे याला हटविलं पाहिजे आणि हे असं अकृत्य केलेलं, इतकं वाईट कृत्य केलेलं आहे, घृणास्पद कृत्य केलेलं आहे, तर आम्ही सर्व महिला ह्या कृत्याचा निषेध करतो आणि पुढेल असं घडू नये। 75वा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना भारत देश स्वतंत्र झाला, एकीकडे भारत माता की जय म्हणत असतो आणि आता 15-20 दिवसांनीच येणारा हा 15 ऑगस्ट त्यावेळेस भारत माता की जय म्हणणार, पण ज्या माता म्हणतो इथं भारत माता ह्या ज्या काही धरतीवर लोक आहेत त्यांना मात्या म्हटल्या जाते, एकीकडे मेरा भारत महान म्हटल्या जाते आणि दुसरीकडे महिलांच्यावर अन्याय अत्याचार नग्न धिंड काढलेली जाते, तर हे भारताकरिता महिला ही सुरक्षित नाही असं मला वाटते आणि हे पुढे चालून आम्ही घडू देणार नाही। आणि ह्या ज्या सर्व गोष्टी घडत आहेत ते हे मनुवादी विचारसरणीचं सरकारमुळे हे सर्व आपल्याला ह्या भारत देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये दिल्ली सरकारमध्ये घडताना दिसत आहे। एवढंच बोलते आणि इथेच थांबते। मणिपूर सरकारचं निषेध असो, मणिपूर सरकारचं।